हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सोशल स्टडी फॉर क्लास थर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 1, आवर सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल। सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी कैन सी दैट, लेट्स डू इट अ स्टारी नाइट स्काई। दिस इज योर असाइनमेंट, वी विल डू इट लेटर। हियर द लर्निंग आउटकम्स, दैट आउटकम्स वी कैन सर्च अबाउट देम आफ्टर लेसन। Here, the right values. The Earth is the only planet we know that has life on it. हमारी पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन है। Our planet is therefore unique and precious. हमारा ग्रह जो कि एक अद्वितीय और बहुत ही बहुमूल्य है। We should treat it with great care. हमें इसकी बहुत ही अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। Yes. Here we start with the universe. Look up at the sky on a cloudless night. जब हम रात में बिना बादल के आसमान को देखते हैं, you will find see a vast space with many twinkling dots. तो आप वहाँ पाते हैं कि बहुत से चमकते हुए बिंदु दिखाई दे रहे हैं। The sky is a part of an endless space called the universe. आसमान के इस न खत्म होने वाली जगह को universe यानी कि ब्रह्मांड कहते हैं। The universe consists of gases, dust, heavenly objects like stars and planets and all the empty space in between. धूल, ब्रह्मांड में गैसेस, धूल और अंतरिक्ष से संबंधित चीजें जैसे सितारे और ग्रह और उनके बीच में काफी सारा रिक्त स्थान होता है। No one knows exactly how large the universe is. The earth is like a tiny grain of sand in this vast universe. That should give you some idea about the enormous size of the universe. कोई ये नहीं जानता कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। The earth is like a tiny grain of sand. Grain of sand means बालू या धूल का कण। हमारी पृथ्वी इस बड़े से ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक छोटे से धूल के कण के समान है। दैट शुड गिव यू सम आइडिया अबाउट द एनॉर्मस साइज ऑफ द यूनिवर्स, जो कि हमें एक संकेत देता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।